हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रुकवन ब्लॉग विथ हेल्थ टिप्स। दोस्त, मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कोरोना वैक्सीन के बारे में। कोरोना वैक्सीन कैसे लेना है, ये कितना दिन लेना है, जो कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेने से आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे आपको फ्री मिल जाएगा, ये सारे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पहन लेता हूँ एक पीपी किट, क्योंकि आज के दिन पे पीपी किट पहनना, मास्क पहनना ये जरूरी है। तो उसके बाद हम जो चला जाएंगे एक विलेज पे, विलेज पे जाके करें क्या करेंगे, विलेज के सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसके सामने ही ये सारे बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभी हम लोग चला जाएंगे किसी एक विलेज पे, विलेज पे जाके हम लोग देखेंगे कितना लोग होता है। पहले चलिए शुरू करते हैं, हम लोग विलेज पे जाते हो। ये मेरा एम्बुलेंस आ गया है, एम्बुलेंस में हम लोग चला जाएंगे। तो देखता हूँ, खोल देता हूँ और उठ देता हूँ। आज की एम्बुलेंस में आ गया है, देख सकते हैं। ये मेरा पायलट भी है मेरे साथ में। चलिए जाते जाते मैं आपको टाउन भी दिखा दूंगी कि टाउन कैसे है, इस टाउन को भी मैं दिखा देख सकता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को जाते जाते हम लोग को ये टाउन भी दिखा देंगे कि कितना सुंदर सब विलेज है, देख सकते हैं। हम लोग अभी विलेज पे जा रहा हूँ, आराम से जाके जितना विलेज के लोग होगा हम लोग को आप लोग दिखाएंगे। गाड़ी में बैठ बैठ के थोड़ा हम लोग को क्या बोलते हैं वैक्सीन के बारे में बात कर लेता हूँ। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1075, इससे आप कॉल करके कोरोना वैक्सीन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। या अगर कोई लोग पैसा मांगता है, कुछ प्रॉब्लम करता है, जैसे कि साइड इफेक्ट वगैरह नहीं दे रहा है वैक्सीन लेने के बाद, तो इसमें कॉल करके आप उसके शिकायत कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आप लोग को एक हेल्प फैसिलिटी दिया गया है। तो ऑलमोस्ट हम लोग विलेज पहुँच गया, तो चलिए अभी हम लोग विलेज के लोगों के बीच में जाके हम लोग इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग एक विलेज पे आए हैं, जिससे पहले हमारा काम होगा कि मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि अभी का जो सिचुएशन है, मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले मैं मास्क देता हूँ, मेरा भी मास्क थोड़ा नीचे का लेता है इतना गर्मी में, मैं थोड़ा निकल जाता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं सबको मास्क डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे कितना प्रॉब्लम हो गया वो तो सब लोगों को मालूम है। हेलो, अब आ जाता हूँ मेन मुद्दा पे कि कोरोना वैक्सीन कहाँ से मिलेगा और कैसे लेना है। कोरोना वैक्सीन मिल जाएगा आपको प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाओगे आप, आपको चार्ज देना पड़ेगा, जैसे कि सर्विसिंग चार्ज 100 और वैक्सीन का जो प्राइस होगा वो है 150। तो टोटल कुल मिला के देना पड़ेगा आपको 250। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर चला जाओगे आपको टोटली फ्री मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग इतना डर रहे हैं ये वैक्सीन लेने में कि लेने से शायद क्या होगा, और कुछ लोग ऐसे सोच रहा है कि दूसरे लोगों को लेने दो, अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तभी लेना है। लेकिन वैसा नहीं करना है, आप लोग आराम से हॉस्पिटल पे चला जाए और फ्री वैक्सीन का फ़ायदा उठाए। इस वैक्सीन अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल बना दिया गया कि 45 एज से ऊपर में जो लोग है उसी को ही देना है, उससे निषेध नहीं देगा। जैसे कि समझ लें कि 10 इयर्स, 20 इयर्स या 30 इयर्स, उन लोगों को नहीं देगा, जो भी 45 इयर्स के ऊपर में उन लोगों को दिया जाएगा। और ये वैक्सीन है दो दिन लेना पड़ेगा, पहला दिन एक लेना पड़ेगा और सेकेंड डोज है 4 to 6 वीक के अंदर में लेना पड़ेगा। और लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आप लोगों ने क्या बोलते हैं वैक्सीन कम्प्लीट कर लिया है। लेकिन इसमें थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, जैसे कि अगर कोई औरत
प्रेगनेंसी के टाइम पे वो क्या बोलते हैं वैक्सीन नहीं लेना है, और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक उसको नहीं लेना है। अगर दूसरा और एक प्रॉब्लम हो गया, अगर वैक्सीन लेने के बाद कोई बॉडी में दर्द वगैरह हो रहे, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन कभी भी मत लीजिए। अगर ज़्यादा आपको ज़रूरी है पैरासीटामोल भी ले सकते हैं, पैरासीटामोल में भी दर्द कम हो जाएगा। और थर्ड नंबर है, अगर किसी को सीवियर एलर्जी है तो भी नहीं लेना है। एक बार अच्छा होगा कि आप एक बार डॉक्टर से बात कर लें। सो गाइस, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी पहले वैक्सीन ले लो और दूसरे लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए बोलिए। अगर लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल होगा तो काइंडली शेयर करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन के बारे में मालूम ही नहीं है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।